खार और मैं हूँ फिरोज अहमद। आज कहीं सऊदी अरब गल्फ की बात कर लें तो आज गल्फ में बकरीद मनाई जा रही है और कल यानी सोमवार को यहाँ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान समेत और कई ममालिक हैं जहाँ कल बकरीद मनाई जाएगी। आपको बता दें कि आज हम हैं बीसम पक्का मोड़ पर छोटे बाबू के यहाँ। अगर कुर्बानी की बात कर लें तो एक से एक लोग शौकीन हैं और बढ़ चढ़ कर कुर्बानी में हिस्सा भी लेते हैं। जिस तरह से खस्सी है, खस्सी की कई नस्लें होती हैं, क्योंकि बकरा बकरीद से जुड़ा है तो इसलिए इसको बकरीद भी कहते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो तस्वीर, ये आप देख सकते हैं। इनके मालिक से भी बात की जाएगी, फिलहाल आप पहले देख लीजिए कि ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये बकरा है। तो हमारे साथ इनके मालिक मौजूद हैं। ये बकरा कितने साल का है? 2 साल का हो गया। कितने क्विंटल का होगा आसपास? हमारे ख्याल से 160 केजी से ऊपर है। 160 केजी का बकरा है। अच्छा, आपको बकरा रखने का शुरू से शौक भी है, चूँकि आप रखते हैं तो मोहल्ले में? जी, 50 साल हो गई हमको पालते हुए जी, इसलिए जो है बहुत हिफाजत करना पड़ता है ना, बहुत सेवा करना पड़ता है लोगों को, तब इतना बनता है जा करके। ये कौन सा नस्ल है? ये तोतापुरी, राजस्थान में होता है तोतापुरी। जी जी, तो ये अपने यहाँ अपने भारत में जो है सबसे अच्छा माना जाता है, खूबसूरत माना जाता है। भाई, ये तो रहा खासियत की 160 केजी का है, बहुत मेहनत होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसको क्या खिलाते हैं आप इनको? खिलाने के लिए तो मेन चीज़ है चना, 2.5 किलो चना जो है डेली जो है रोज 2.5 किलो चना। और इसके अलावा? इसके अलावा जो है पत्ता है, कुछ फल वगैरह भी है। फल वगैरह भी है, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह भी है? नहीं, ड्राई फ्रूट नहीं, ड्राई फ्रूट वो जाड़े में दिया जाता है थोड़ा बहुत, गर्मियों के दिन में नहीं। तो ये देखिए कैसे अपने मालिक को देख करके, देखिए प्यार कर रहा है ये बेजुबान जानवर यानी बकरा। कहीं ना कहीं एक मोहब्बत सी हो जाती है, आप देख सकते हैं काफ़ी देर से ये इसको ये प्यार कर रहे हैं और लग रहा है कि एकदम बहुत पुराना और बिल्कुल एक औलाद की तरह जो प्यार होता है वो बिल्कुल नज़र आ रहा है। गले में आपने चैन भी पहना रखा है, ये किसका चैन है? ये पीतल का है। पीतल का है, पीतल का। बहुत शौक से आप इसे? बहुत ज़माने से है ये चैन जो है। हाँ, हर साल जब भी होता है तो ये चैन आप पहनाते हैं? चैन पहनाते हैं। अच्छा, जब कुर्बानी होता है, जब आप कुर्बानी देते हैं, चूँकि अब इतने मोहब्बत इसको पाल रहे हैं, खिलाते हैं, एक साल तक लगातार देखते हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? महसूस क्या है, तो ऑर्डर है कि आप पालिए, औलाद की तरह से कुर्बान कर दीजिए, हमारे राह में अल्लाह का ऑर्डर है। 3 रोज जो है सबसे ज़्यादा इबादत कोई कबूल है अल्लाह को तो कुर्बानी, इससे बड़ी कोई बात। कुछ आपको लगता ज़रूर होगा चूँकि बहुत मेरा तो नहीं है, किसी भी चीज़ को आप साथ रखिएगा तो मोहब्बत होनी है, जाहिर बात है, कुदरती लगाव है ये। कहीं कहीं देखा जाता है कि बहुत से लोग कुर्बानी में बच्चे रोने होने भी लगते हैं, ऐसा कहीं कुछ कोई फिल्म है? खैर, बच्चे रो दे बोले, हम लोग तो नहीं रोएंगे ना, लेकिन लगता है कुछ की मसला मसाइल जानते हैं। अफसोस तो होता है थोड़ा बहुत, काफ़ी लगाव की वजह से ये चीज़। जी जी, लगाव की वजह से, लेकिन खुदा का हुक्म है, करना ज़रूरी है, उनके हुक्म का पालन भी और कुर्बानी भी। तो और बात कर लेते हैं, इनके छोटे, इनके पुत्र हैं छोटे बाबू। छोटे बाबू क्या कहेंगे पिता पुत्र दोनों वाले मिलकर के, जो लोग आप लोग एक खस्सी पालते हैं और कहीं ना कहीं एक पीस ही होता है ये? जी, ये बात तो आप सही कहे हैं जी, हम लोग तो अपने जब से संभाले तब से देखते चले आ रहे हैं। हमारे वालिद साहब जो हैं बचपन से जो है खस्सी का शौकीन रहा और खस्सी पालते हुए आते रहे। सबसे बड़ी बात है कि 3 बार जो लॉकडाउन, 3 साल जो लॉकडाउन लगा उसमें जो है हमारे यहाँ बकरा नहीं आ पाया, इसके वजह से हम लोग के यहाँ बकरीद लग ही नहीं रहा था कि हम लोग बकरीद मना रहे हैं। और अल्लाह पाक हमारे अब्बू को सेहत दें, जो कि ये इस तरह का बकरा, क्योंकि इनके रहते वक्त हम लोग इस तरह का बकरा देख ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक अब्बू बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं इस तरह का बकरा पालते हुए, और अल्लाह से यही दुआ रहेगा, अल्लाह पाक हमारे फादर को सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, कि इस तरह का बकरा देखने को हम लोगों को हर साल मिले।
पिताजी आपके तो खैर काफ़ी शौकीन हैं, और आप कितना मेहनत कर पाते हैं इन? हकीकत यह है कि हम लोग से हो ही नहीं पाता है, बहुत कोशिश किए हैं हम लोग, लेकिन हम लोग से नहीं हो पाता है। नहीं, इसको खिलाना, इसको देखभाल करना, मतलब खिलाने में मतलब कि डेली 2 घंटा इनको मेहनत लगता है हमारे फादर को, डेली 2 घंटा जो है ना पर डे 2 घंटा इस पर मेहनत करते हैं, नहला धुलाने से लेकर सब कुछ वही करते हैं, एक औलाद की तरह इसको पालते हैं। अच्छा, कुर्बानी कल है, कुर्बानी अगर हो जाता है, चूँकि कई साल हर साल आप लोग करते भी हैं, तब आपको कैसा फील होता है, चूँकि आपका भी उड़ाव इससे रहा है रहता है? भले हम इसको करते नहीं हैं, लेकिन प्यार घर के सारे मेंबर इससे करते हैं, हर लोग देखता है कि अरे थोड़ा सा आवाज़ इसका चीखने का आ जाता है तो घर के सारे लोग उठ के आ जाते हैं इनके पास, क्या हुआ। इसके लिए हम लोग गर्मी के दिन में एक कूलर फैन, देखिए कूलर हमेशा एनी टाइम लगा रहता है इसके पास। ये वो बकरा है जिसके लिए कूलर फैन एनी टाइम लगा रहता है, और काफ़ी बिल्कुल औलाद की तरह इसे पाला जाता है, तभी तो कहा जाता है कि खुदा मंजूर करते हैं कुर्बानी को। तो क्या कितने क्विंटल का ये है? लगभग 160 किलो प्लस है ये। तो हमारे ख्याल से इस एरिया में कहीं किसी इस एरिया में नहीं, मतलब सिवान टाउन में हमको नहीं लगता है कि इसका जोड़ा कहीं होगा। नहीं होगा? हाँ, इसका जोड़ा नहीं होगा, क्योंकि इतना दिन से हम लोग भी टाउन में रहते हैं, कभी हम इस तरह का बकरा नहीं देखे हैं, अभी तक तो नहीं देखे हैं। तो ये थे हमारे साथ छोटे बाबू, आपने देखा। फिर से आपको एक बार मैं कहूँगा कि जैसा खस्सी को अपने घुमाइए कि मैं दिखाऊँ तमाम दर्शकों को। ये तोता परिजात है ना जी, देखिए जब चलते, इसका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब ये सड़क पर चलता है तो दिल मचल जाता है, वाकई बहुत खूबसूरत देख सकते हैं।